lecture series 1, class 5th, subject SS. In the previous class, we have discussed about temperate zone. And today we discuss about torrid zone. आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि torrid zone क्या होता है. First of all, I want to tell you about what is torrid zone. कि torrid zone होता क्या है. Torrid zone होता है बेटा जो आपका equator होता है. Equator के ऊपर का part होता है और नीचे का जो part होता है उसे हम क्या बोलते हैं torrid zone. Equator क्या होता है. Equator is a line that divides the earth into two parts. जो इक्वेटर वो होता है जो अर्थ को टू पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करता है वो हमारा क्या होता है इक्वेटर होता है. ठीक है. तो इक्वेटर के ऊपर का पार्ट मतलब टेम्परेट जोन और टोरिड जोन के बीच का जो हिस्सा होता है ठीक है वो हमारा क्या होता है टोरिड जोन. इक्वेटर के और टेम्परेट जोन के बीच का जो हिस्सा है वो हमारा क्या है टोरिड जोन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो क्या होते हैं. इक्वेटोरियल का मतलब क्या है जो इक्वेटर के आसपास के जो फॉरेस्ट हैं दैट आर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड रीजन अलोंग द इक्वेटर. जो आपका इक्वेटर होता है जो आपका इक्वेटर होता है उसके आसपास जो एरिया होता है जैसे मान लो ये आपका क्या है ये है आपका इक्वेटर. ये लाइन क्या है आपकी इक्वेटर. जो आपका इक्वेटर होता है वो हमेशा जीरो डिग्री का होता है. ये आपका क्या है इक्वेटर. ठीक है. इसके ऊपर जो आपका है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके जो नीचे है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. ये 23.5 डिग्री होता है. कितना होता है ये 23.5 डिग्री. इसके ऊपर आपका होता है आर्कटिक सर्कल और इसके नीचे आपका होता है एंटार्कटिक सर्कल. ठीक है. तो मेन हमें क्या करना है ये पता होना चाहिए. जहां पर हम टोरिड जोन पढ़ रहे हैं तो हमारा टोरिड जोन है ये जो हमारा एरिया है. ये जो हमारा एरिया है ये किसको शो करता है टोटली टोरिड जोन. किसको दिखा रहा है ये टोरिड जोन. ठीक है. तो जो इस इक्वेटर के पास जो क्षेत्र है वहां पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं दैट आर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. और जो इक्वेटर होता है हमारा उसके आसपास के उस इक्वेटर के पर ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा इक्वेटर है उस पर जो सन रेज है वो कैसे गिरती हैं डायरेक्ट गिरती हैं सीधी किरण सूरज की किरणें पड़ती हैं जिसके कारण वहां पर जो क्लाइमेट है कैसा है हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण वहां क्या होती है बारिश भी होती है क्योंकि ज्यादा हुमस हो जाते हैं जिससे क्या होती है बारिश होती है. तो इक्वेटर रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड रीजन अलोंग द इक्वेटर. जो अभी मैंने आपको आपका इक्वेटर बताया था उसके पास जो हमारा एरिया होता है वो हमारा कौन सा है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. दीज रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स. एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लोंगिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होता है लैटिट्यूड होता है ये हमारा इक्वेटर हो गया. लैटिट्यूड जब हमारी जो ये पैरेलल लाइन होती है ये हमारी पैरेलल लाइनें मिलकर क्या बनाती हैं लैटिट्यूड. ये सारी जो लाइनें ये हमारा क्या बन गया लैटिट्यूड. और लोंगिट्यूड क्या होता है लॉन्गिट्यूड हमारा होता है जब हमारी लाइनें इस तरीके से हो स्टैंडिंग लाइंस हो हमारी. दिस शोज लॉन्गिट्यूड. ये है हमारा लैटिट्यूड और ये है हमारा लॉन्गिट्यूड. तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ क्या है हमारा रेन फॉरेस्ट. These forests are found in the equator regions of Africa, South Asia, Amazon River, basin of South America, Indonesia, Malaysia, and some parts of Australia and India. आप आपके सामने अभी जो मैप है ये वर्ल्ड मैप है. कौन सा मैप है ये वर्ल्ड मैप है. इस मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ पार्ट्स जो हैं आपको ग्रीन दिखाई देंगे जैसे ये है
ये पार्ट है आपका, ये जो पार्ट्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं ये पार्ट्स आपके, रेन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के जो एरियाज हैं उनको क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं। अगर आप जो वर्ल्ड मैप है उसमें आपने अपना इंडिया देखा है, आपका इंडिया कहाँ है, दिस शोज योर इंडिया, ये जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पर इंडिया है, क्या है, यहाँ इंडिया हमारा इंडिया है, क्लियर। तो इस अभी मैंने आपको क्या बताया है, जो ग्रीन पार्ट्स हैं, दिस ग्रीन पार्ट शोज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा है, द क्लाइमेट इन द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड। अभी मैंने आपको बताया था जो इक्वेटर है दैट गेट्स डायरेक्ट सन रेज, ठीक है, वहां पर जो सन रेज है वो डायरेक्ट जाती है, जिसके कारण वहां का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है, एंड वेट थ्रूआउट द ईयर, और यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, ह्यूमस होने के कारण यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड है, ह्यूमस ज्यादा बनती है जिससे कि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, इसलिए ये कैसे रहते हैं, वेट वेट मतलब गीला थ्रूआउट द ईयर। दिस सीजन डज नॉट एक्सपीरियंस विंटर सीजन, यहाँ पर कौन सा सीजन नहीं होता, विंटर सीजन, विंटर मतलब सर्दी, यहाँ पर सर्दी का सीजन नहीं होता। डेज आर हॉट एंड इट रेन्स एवरी आफ्टरनून, यहाँ पर दिन में क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हर दोपहर को यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस रेनफॉल इज ऑफ्टन कॉल्ड द 4 o'clock रेन, इसलिए इस रेन को क्या बोला जाता है, 4 o'clock रेन। The length of the day and night is more or less equal throughout the year because the rays of the sun shines vertically off the equator. अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो इक्वेटोरियल रेनफॉरेस्ट है वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल रेनफॉरेस्ट वो होते हैं जो कि इक्वेटर के पास होते हैं, और इक्वेटर क्या होता है, दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो इक्वेटर के पास जो एरिया होता है वहां पर कैसे रेज होती है, डायरेक्ट सन रेज होती है, जिसके कारण वहां पर ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है और बारिश वहां पर ज्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इक्वेटर रेन फॉरेस्ट है वहां का प्लांट लाइफ जो है वो कैसा है, वहां की जो प्लांट लाइफ है वो कैसी है। ड्यू टू हैविंग रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन दिस रीजन, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, सूर्य की जो रोशनी है वो काफी मात्रा में उनको मिलती है, जिसके कारण यहाँ जो वन है पेड़ है वो क्या होते हैं, घने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, डेंस का मतलब क्या होता है, घने ज्यादा। देयर इज नो ड्राई सीजन सो द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन द सेम टाइम, यहाँ पर क्या है, ड्राई सीजन नहीं होता, इसलिए जो पेड़ है वो अपने पत्ते किसी पर्टिकुलर सीजन में नहीं गिराते, बल्कि अलग अलग टाइम में गिराते हैं, कभी किसी के पत्ते गिर रहे हो, कभी कोई मतलब कोई पर्टिकुलर सीजन वहां पर नहीं है। द ट्री शेड दैट लीव्स इन डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द फॉरेस्ट लुक ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो कैसे रहते हैं थ्रू आउट द ईयर ग्रीन, इसलिए इनको दूसरा नाम क्या दिया गया है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट, या फिर यहाँ पर डेली बारिश होती है इसलिए इनको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, हम रेन फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट मेनी फीचर ऑफ द इक्वेटर रीजन इज दैट द ट्रीज ग्रो इन मेनी लेयर्स, जो यहाँ पर ट्रीज है वो अलग अलग लेयर्स में होते हैं, इस पिक्चर में आप अगर देखेंगे तो कहीं पर छोटे पेड़ है, कहीं पर मीडियम है, कहीं पर बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो ट्रीज है इक्वेटर रीजन में, इक्वेटर रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनकी जो हाइट है वो क्या है, अलग अलग होती है, अलग अलग लेयर्स होती है, देयर आर 4 layers। फर्स्ट लेयर है आपकी फॉरेस्ट फ्लोर, सेकंड है आपकी अंडरस्टोरी, थर्ड है कैनोपी, और थर्ड है फोर्थ है आपकी अमेजन। सबसे पहले हम आपकी जो लेयर है फॉरेस्ट
होती है, लेस होती है, कम होती है। सेकेंड है फिर आपका अंडर स्टोरी। इट इज ए डैम लेयर कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ फर्न्स। जो आपकी सेकेंड लेयर है वो कौन सी है, जो आपने अभी आपकी जो फर्स्ट लेयर थी फॉरेस्ट फ्लोर, उससे जो सेकेंड लेयर है, जो सेकेंड नंबर पर आपको ये ट्रीज दिख रहे हैं, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इसको नोट कर दिया है हमने अंडर स्टोरी। जो आपके शब्द के प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस लेयर। इनको भी, ये जो लेयर है, इस लेयर को भी कम मात्रा में सनलाइट मिलती है, जिसके कारण इनकी भी ग्रोथ क्या होती है, कम ही होती है। थर्ड है हमारा कैनोपी। थर्ड क्या है हमारा, कैनोपी। इट इज द फर्स्ट लेयर। ये जो लेयर है हमारी, ये लेयर किसको दिखा रही है, हमारी कैनोपी को दिखा रही है। दीज ट्रीज आर स्मूथ ओवर लीव्स एंड फॉर्म एन अम्ब्रेला शेप और कैनोपी ओवर द फॉरेस्ट। ये देखो जो इसके नीचे की दो लेयर्स हैं, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के ये दो लेयर्स हैं, उनके ऊपर जो ये थर्ड लेयर है, ये एक तरह से इनके ऊपर रूफ का काम कर रही है, छत का काम कर रही है। इनको इसने क्या किया हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और जो ये लेयर है, ये सनशाइन को अलाउ नहीं करती कि वो जो सूरज की रोशनी है, वो ये जो अभी दो लेयर हमने किए हैं, इन तक आसानी से पहुंच सके। ये क्योंकि ये पेड़ ज्यादा घने होते हैं, बड़े होते हैं और हैवी होते हैं, जिसके कारण सूरज की जो रोशनी है, उससे ये कोई नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंचने देते। इसी कारण से ये जो दो लेयर्स हैं हमारे नीचे की, इनकी ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। एंड द लास्ट लेयर इज एमरजेंट लेयर। ए स्मॉल नंबर ऑफ एल्डर ट्रीज ग्रो टू द हाइट बियॉन्ड द कैनोपी लेयर इन सर्च ऑफ सनशाइन। जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, उसमें कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। दिस शोज द एमरजेंट लेयर ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ये जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, और ये सनशाइन के लिए, सूरज की रोशनी के लिए इनकी हाइट क्या होती है, ज्यादा ग्रो होती है। These trees are mushroom and receive plenty of sunshine and rain। जैसे अब मशरूम होता है ना, उस तरीके से ये होता है, ये मतलब लंबा होगा ऐसे, इसका जो तना है वो लंबा होगा और ऊपर से एक छत सी होगी, ऐसे चारों तरफ से गोल गोल सी। तो ये क्या करते हैं, एक छत की तरह काम करते हैं, जो अंदर थ्री लेयर्स हैं उनके ऊपर, ये जो थ्री लेयर्स मैंने आपको बताई हैं, उनके ऊपर एक तरह से ये एक छत का काम करते हैं, ठीक है। देयर आर फोर लेयर्स ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनोपी और एमरजेंट लेयर। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ। कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, वहां का वाइल्ड लाइफ कैसा है, मतलब कौन कौन से एनिमल्स जो है वो ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं। The equator rainforests are home to a wide variety of wildlife। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलती है, वाइल्ड लाइफ मिलती है। उनमें से मेनली कौन कौन सी है, सम एनिमल्स लाइक अमेरिकन एलिफेंट, गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज। कौन कौन से बताए हैं मैंने आपको, जो मेनली मिलते हैं, ये देखिए, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है और अफ्रीकन एलिफेंट है। वो कहाँ पर मिलते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है हमारा लाइफ ऑफ द पीपल। कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी डिफरेंट ट्राइब्स। ट्राइब का मतलब क्या होता है, ट्राइब्स का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल। ए ग्रुप ऑफ पीपल मतलब किसी समूह में जहाँ लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्स। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर होम टू मैनी डिफरेंट ट्राइब्स। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं लोगों के, उनके लिए क्या है, ये एज ए होम काम करता है। द ट्राइब्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन। जो ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट पर किस चीज के लिए डिपेंड होते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेडिसिन के लिए। यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, दे हंट फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट्स, बेरीज एंड रूट्स। यहाँ के जो लोग हैं वो शिकार का काम करते हैं अपना भोजन लेने के लिए, और फूड गैदरर्स होते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन,
कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जब आप किसी एक जगह को साफ करके, इस जंगल को साफ करके, वो लोग क्या करते हैं वहां पर कुछ समय के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, और जब वहां की एग्रीकल्चर जो पावर है वो कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं किसी दूसरी जगह पर जाकर जगह को साफ करते हैं और वहां पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसे क्या बोलते हैं हम, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वंस द लैंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, उपजाऊ। जब कोई भी भूमि अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है, खत्म हो जाती है, द ट्राइबल पीपल अबैंडन इट एंड क्लियर ए न्यू पैच। तो वो ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, उस जगह को साफ करके किसी दूसरी जगह पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। सबसे मेन बात है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उनसे हमें वुड मिलती है, मेडिसिन मिलती है, ठीक है। और लेकिन आज जो है जो हमारे जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो क्या हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं। दिस कारण पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द नीड फॉर मेकिंग मोर हाउसेस हैव लेड टू द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, घर बनाने के लिए लोग या इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, सॉफ्ट कर उनको काट रहे हैं। सेकेंड है, फॉरेस्ट लैंड इज ऑल्सो बींग क्लियर फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रोड्स एंड माइनिंग। जो फॉरेस्ट है उनको किस लिए काटा जा रहा है, एग्रीकल्चर करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, जिसके कारण जो रेन फॉरेस्ट है क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। फॉरेस्ट फायर इज अनदर रीजन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट फायर, कई बार जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें अपने आप ही क्या लग जाती है, आग लग जाती है, जिससे कि फॉरेस्ट का क्या होता है, लॉस होता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट टोरिड जोन, के जो टोरिड जोन है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है, वहाँ का वेजिटेशन क्या है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी रीड अबाउट टेम्परेचर जोन, ओके। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।